शशांक त्रिवेदी, बंधु इंडिया प्रेसिडेंट, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। हम लोग आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम लोगों ने गोलवान वैली के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये वॉल हम लोगों ने बनाई है। ये एक लाइफ साइज हैंड पेंटिंग वॉल है। इस वॉल को बनाने में हम लोगों ने करीबन 20 दिन लगाया। इस वॉल को बनाने के पीछे हमारे सिर्फ एक ही सोच थी, वीर जवानों को श्रद्धांजलि देनी है, हमें उन्हें मरने नहीं देना है। उन्होंने हमारे को, अपने देश को, हमारे सरहदों को अपने खून के जरिए, खून दे के उन्होंने अपने देश को बचाया है। जब हमारे कलाकार, हमारे लोग, हमारे आर्टिस्ट जब इस वॉल को बना रहे थे, तो उनके दिल में एक ही भावना थी, उनके दिल में इन सारे जवानों के परिवार वालों के प्रति बहुत संवेदना थी। हम उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, लॉकडाउन था पूरे दिल्ली में, और हम इस लॉकडाउन के दौरान हम लोग सारे लोग अपने अपने घरों में बैठ के लोगों को देखते थे कि ये क्या हो रहा है। तो हमें दिल्ली पुलिस का सहयोग मिला और हम लोगों ने बड़े बड़े वॉल तैयार किए। यहाँ पे डीसीपी ऑफिस, न्यू दिल्ली रेंज, पार्लियामेंट स्ट्रीट में हम लोगों ने एक 45 फुट बाई 10 फुट की एक बड़ी वॉल बनाई है, जिस वॉल पे हम लोगों ने पोस्ट और प्री लॉकडाउन सिचुएशन को दिखाया है। उसमें हमने ये दिखाया है कि किस तरह से भारत सरकार ने हमारे को सपोर्ट किया है इन सारे मुहिम में, जब हम लोग सारे कोविड से लड़ रहे थे और हम लॉकडाउन में थे। आज हमारे को मीनाक्षी लेखी जी का साथ मिला है और हम लोगों ने इस वॉल को रिवील करने के लिए आप लोगों के सामने आज हम जमा हुए हैं यहाँ पे, और हम लोग ये वॉल को राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। इसी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने लोकनायक हॉस्पिटल के साथ मिलके एक ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किया है। और ये ब्लड डोनेशन कैंप सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आज हमारे हॉस्पिटल्स में ब्लड की बहुत कमी है, लोगों को हॉस्पिटल जाने का मौका नहीं मिल रहा है, सारे हॉस्पिटल्स कोविड से लड़ाई कर रहे हैं। गोलवान घाटी के अमर वीर शहीदों को शत शत नमन हमारी तरफ से है, बंधु इंडिया टीम की तरफ से है।